कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू को जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जर्मनी से कॉल कर बिट्टू और उसके पीए को धमकी मिली है। +44 नंबर से ब्रिटेन से आया है धमकी भरा ये फोन। और लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत बिट्टू, बेअंत सिंह की हत्या का जिक्र कर रहे थे धमकी देने वाले। 1:32 तक फोन पर धमकी दी गई है। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, इस धमकी के जिस तरीके से धमकी दी गई है और क्या डिटेल है इस बारे में आपके पास? देखिए, बिल्कुल उनका ये कहना था, जो धमकी दे रहे थे वो लगातार ये बात कह रहे थे कि आपको और आपके बॉस को बम से उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि बेअंत सिंह के हत्यारे जो बलवंत सिंह राजूवाला हैं वो अभी जेल में बंद हैं और करीब 9 महीने से उनकी दया याचिका पेंडिंग है और करीब 26 साल से वो जेल में बंद हैं। उनका जिक्र वो लगातार कर रहे थे और कह रहे थे जिस तरीके से बेअंत सिंह का हश्र हुआ उसी तरीके से आपका भी हश्र हो सकता है। और अभी कुछ ही देर पहले पुलिस कमिश्नर के यहाँ इस पूरे मामले को एविडेंस के तौर पर ले जाया गया है और उनकी शिकायत जो है वो दर्ज कराई जा रही है कि आखिरकार अभी कुछ ही दिन पहले सिद्धू मूसावाला की हत्या हुई, जिसके परिवार वालों से मिलने के लिए राहुल गांधी गए थे। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस जो पंजाब में सरकार है वो सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है और इसलिए हम इंसाफ दिलाएंगे। और उसके कुछ ही देर के बाद ये खबर आई कि पंजाब के ही कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। लोकसभा में मुख्य सचेतक हैं रवनीत सिंह बिट्टू, इसीलिए कहा जा रहा है काफी गंभीर मामला है और पंजाब सरकार इस पूरे मामले को देख रही है।